ट्रैफिक नियमों के नाम पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा बड़े बड़े चालान हमेशा रोजाना काटे जाते हैं, ऐसा प्राय घूमचक्कर पर देखा गया है। लेकिन जब हकीकत की बात आती है तो आज घूमचक्कर पे हालात ये हो चुके हैं कि गाड़ियों का कब्जा है वो पूरा घूमचक्कर पे हो चुका है। दुकानदार है अपने दुकान की सामग्री को है दुकान के अंदर से ज़्यादा बाहर रखते हैं। ये घटनाएं प्राय देखी भी गई हैं कि एम्बुलेंस के द्वारा आधी आधी घंटे तक है वो लगातार एम्बुलेंस घूमचक्कर से नहीं निकल पाती। ट्रैफिक पुलिस रोजाना घूमचक्कर तो आती है लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था है वो नहीं कर पाती। ये हालात कहीं घूमचक्कर के नहीं है। अगर बात करें ट्रैफिक व्यवस्था के नाम पे तो नवलगढ़ शहर के अंदर है वो ट्रैफिक व्यवस्था जीरो है। यही हाल घूमचक्कर के भी हैं। दुकानदार वहीं भी घूमचक्कर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये घूमचक्कर की हैं, जहाँ बाहर से आई गाड़ियाँ हैं अपने सामान खरीदने के लिए रोड के बीच में गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं, चारों ओर लोग देखते रहते हैं, लेकिन जब एम्बुलेंस आती है तो उन्हें भी रास्ता है वो नहीं मिल पाता। प्राय बात करें तो सवारी गाड़ियों से लेकर ये भरमार है वो ज़्यादा सवारी गाड़ियों की देखने के लिए मिली है। यहाँ दुकानदार है उन्हें आए दिन समस्या का सामना करना पड़ता है कि उन्हें दुकानदार है वो दुकान के अंदर भी नहीं जा पाता। इस वीडियो में जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है उससे प्राय क्या लगता है कि घूमचक्कर में अगर किसी इमरजेंसी हो जाए तो हालात में कहीं कोई बड़ी गाड़ी ना तो बड़ी गाड़ी निकल पाती है ना आराम से कोई एम्बुलेंस है वो निकल पाती है। वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कमेंट अवश्य करें।